हेलो फ्रेंड्स, वी विल सी टुडे अ टॉपिक, सिंपल टॉपिक दैट इज पेपर फॉर एथिक्स एथिक्स पार्ट. एंड इन दिस कंटेक्स्ट वी विल सी द टॉपिक दैट इज ऑन एटीट्यूड. सो इट्स अ सिंपल टॉपिक, इट विल नॉट टेक मच टाइम, इट विल बी अराउंड सम 15 मिनट्स और 20 मिनट्स लेक्चर, दैट्स इट. 15 से 20 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर ये नहीं है. तो इसमें हम एकदम बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट समझेंगे, एटीट्यूड है क्या. डीप में डेफिनेशन पार्ट वगैरह में ज़्यादा जानेंगे नहीं, सिंपली इसका कॉन्सेप्ट क्या है हम आप समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे. तो एटीट्यूड इज नथिंग बट इट्स योर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी आपका ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति ओरिएंटेशन कैसा है, इज व्हाट एटीट्यूड, वो है एटीट्यूड. ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम थोड़ा स्केप्टिकल डायग्राम में समझाने की कोशिश करते हैं. एटीट्यूड ओरिएंटेशन एंड ऑब्जेक्ट, ओरिएंटेशन एंड ऑब्जेक्ट. सो सिंपली यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी पीपल प्लेस और थिंग और एनीथिंग, इट्स योर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन, अब ओरिएंटेशन किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति आपका कैसा है. अब ये ओरिएंटेशन विल बी डिटरमाइंड बाई पास्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, योर पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्सेट्रा. तो आपके थ्रू आउट द लाइफ जो चीज़ आप सीखते हैं, दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट में भी एनी थिंग, इट में भी पीपल, इट में भी थिंग और इट में भी प्लेस एक्सेट्रा. हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वाकई एटीट्यूड है क्या. सपोज आप यहाँ मुखर्जी नगर में खड़े हुए हैं और आपने किसी बेगर को देखा और वो बेगर जो है आपसे, आपके पास अप्रोच करता है, अप्रोचेस टू यू एंड आस्क फॉर 50 रुपीज़, आपसे 50 रुपीज़ मांगता है. तो वन थिंग नीड्स, व्हाट वी नीड्स टू हियर कंसिडर हियर, कि जब आप बेगर बेगर को देखते हैं, एक भिखारी को देखते हैं, तो आपके दिमाग में आता क्या है कि वो पुअर है, वो नीडी है, तो और हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए. सो इन दिस, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एथिकल, एथिकल पर्स्पेक्टिव, इन कंटेक्स्ट ऑफ एथिकल पर्स्पेक्टिव यहाँ पे ये कहा जाएगा कि यू आर द कंपैशनेट, कंपैशनेट टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन. आप जो है पुअर और गरीब की हेल्पफुल है, यानी योर ओरिएंटेशन इज कंपैशनेट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बेगार, दैट बेगार इज ऑब्जेक्ट हियर और योर ओरिएंटेशन टूवर्ड्स द बेगार इज कंपैशनेट. अभी हम थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालते हैं, वी विल टेक एक्सटेंड ऑफ दिस एग्जाम्पल. आपने 50 रुपये उसको दे दिया, अब वो आदमी आगे जाता है और आप मे बी कुछ वजह से वहीं पे खड़े हुए हैं, मे बी वेटिंग फॉर द टैक्सी, टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं और वहीं वहीं पे आप खड़े हुए हैं. तो वो बंदा जो है टैक्सी पे, आप वहीं पे वेट कर रहे हैं, वो बंदा जाता है आगे, 50 रुपये जो आपने दिया उसका खाना ना खा करके वो लीकर के शॉप पे चला जाता है. लीकर के शॉप पे जाके वो 50 रुपये की बॉटल खरीदता है एंड ही ड्रिंक इट इन फ्रंट, मे बी जस्ट 50 और 100 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम यू, 100 मीटर दूरी आपसे, आप देख रहे हैं उस आदमी को, और फिर वो झूमता हुआ चला जाता है. तो अभी इस सिचुएशन को देखने के बाद, इस एक्सपीरियंस को देखने के बाद, आपका एटीट्यूड, योर ओरिएंटेशन चेंजेस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपका ओरिएंटेशन उस ऑब्जेक्ट के प्रति चेंज हो जाएगा. बट ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, लॉट ऑफ फैक्टर्स प्ले इन दिस कंटेक्स्ट. लेकिन जनरली क्या होता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपके हैं, ओरिएंटेशन जो आपका पहले कंपैशनेट का था बेगर के प्रति, वो हो सकता है कि आप हेट डेवलप कर लें बेगर के प्रति. आप ये कहने लगे कि ये तो ऐसे लोग होते हैं कि जो पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, वी शुड नॉट पे मनी टू सच टाइप ऑफ पीपल. सो इन अ वेरी सिंपल मैनर, एटीट्यूड इज नथिंग बट साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दैट इज एक्सप्रेस बाई इवेलुएटिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर. ऑब्जेक्ट है उसका फेवर होगा या तो डिसफेवर होगा. डिसफेवर मतलब कि आपका एक्सपीरियंस, जो जैसे कि बेगर को आपने 50 रुपया दिया, उसने लीकर खरीदा, तो ये डिसफेवर के रूप में आप उसको जज करेंगे. और फेवर के रूप में कैसे, कि आप ये समझते हैं कि वो पुअर है और उस नीडी है, उसको हेल्प करना चाहिए. सो एटीट्यूड इज द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी दैट इज एक्सप्रेस बाई इवेलुएटिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने बेगर का केस दिया है और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद सम डिग्री ऑफ फेवर और डिसफेवर. हम यहाँ पे एक एग्जांपल और ले सकते हैं. एग्जांपल के केस में यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस, यू आर नॉन वेजिटेरियन, यू आर द नॉन वेजिटेरियन एंड यू डोंट ईट फिश, यू डोंट ईट फिश.
आप नॉन वेजिटेरियन हैं और फिश आप नहीं पसंद करते हैं, फिश आप नहीं खाते हैं, इट शोज योर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द फिश, इट शोज योर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फिश इन पर्टिकुलर एंड इन जनरल इट शोज योर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द फूड हैबिट ऑल टुगेदर, हाउ व्हाट काइंड ऑफ फूड यू हैव. सो एटीट्यूड इज बेसिकली अ ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल सी द कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड, मूविंग टू द नेक्स्ट टू द कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड. Okay, so having seen the definitional part, the explanation part, we will move to the component part of the attitude. So, attitude is basically three type attitude component of attitude is basically a three type. It's a cognitive part, affective part, and behavioral part. It's a three type. Three component, cognitive, affective and behavioral. So we'll see the first, the cognitive part. Cognitive part में क्या है कि it's a first step in that attitude formation. First step in the attitude formation, attitude के form होने का पहला step है. इसमें क्या होता है कि various kinds of attributes, thoughts and attitude, thoughts and characters about the object you develop or you see from the past experiences, etc. In this context. It is being guided by multiple factors about the object. Okay, I will give an example here, then we will it will be more easier to understand. Example, we will take here snake. So cognitive part about snake, what will be what is the basic attribute of the snake? Snake is a poisonous animal, this we all know that. स्नेक इज अ पॉइजनस एनिमल, इफ इट बाइट यू पीपल मे डाई, अगर ये काटता है तो आदमी की डेथ हो सकती है. ऐसा एक सांप के साथ, स्नेक के साथ एक बेसिक एट्रीब्यूट जुड़ा हुआ है जो कि वी नो मे बी बाई रीडिंग समवेयर और थ्रू द इंफॉर्मेशन और बाई आई डायरेक्ट एक्सपीरियंस वी हैव सीन इट, वी नो दैट द कॉग्नेटिव इज द स्नेक एट्रीब्यूट ऑफ दिस स्नेक इज दिस. सो कॉग्निटिव पार्ट में क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट होता है, जो उसका कैरेक्टर होता है, वो हमारे दिमाग में एज अ डाटा फीड होता है और फिर उसको हम मेंटल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं आगे. ठीक है, और उसको हम मेंटल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं आगे. तो फर्स्ट पार्ट इज द स्नेक, सेकेंड पार्ट इज द अफेक्टिव. अफेक्टिव कंपोनेंट इज रिलेटेड विद द फीलिंग एंड इमोशन. अफेक्टिव कंपोनेंट इज बेसिकली रिलेटेड विद द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉग्निशन. इट इज बेस्ड ऑन द कॉग्निशन. स्नेक के कंटेक्स में जो भी हमारा हुआ था उसके बेसिस में जो कॉग्निशन अफेक्टिव डेवलप होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द फीलिंग एंड इमोशन यू एसोसिएट विद दिस इंफॉर्मेशन. यानी जो स्नेक है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो एट्रीब्यूट है, उसके आधार पे हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट हमारे दिमाग में विकसित होगा. अब उसका एग्जांपल हम देते हैं. स्नेक को हम जैसे जानते हैं कि ये डेंजरस एनिमल है, तो इससे रिलेटेड क्या अफेक्टिव कंपोनेंट हमारे माइंड में डेवलप होगा? फियर. फियर विल बी डेवलप इस रिलेटेड विद द फीलिंग. इट मीन्स बोथ आर नॉट इन एक्चुअल केम इन द बिहेवियरल प्रोसेस. अभी ये दोनों मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, दे बोथ आर इन द प्रोसेस. स्नेक का एट्रीब्यूट जो हमारे दिमाग में पहले प्रोसेस हुआ उसके बेसिस पे अभी हमने फियर डेवलप किया है, दैट इज अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड. अब हम जो है इसी का जो है तीसरा कंपोनेंट लेते हैं कि जब हम इसका बिहेवियर में बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव. कॉग्निटिव और अफेक्टिव का जब हम वो कर लेते हैं तो इट बिकम्स जो है बिहेवियरल कंपोनेंट और बिहेवियरल इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव. अब इसका एग्जांपल इसमें कैसे होगा कि स्नेक प्लस फियर. स्नेक
प्लस फियर, जब हमारे हमारे दिमाग में है ये पास्ट एक्सपीरियंस से है, नॉलेज से है, इंफॉर्मेशन से है, तो जब हम स्नेक को देखेंगे तो वी विल रन अवे, हम भाग जाएंगे, ऐसा ये बिहेवियर में हमारे रिफ्लेक्ट होगा, मे बी वी रन अवे, हम जो है भाग जाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक, बहुत सारा बेसिक एकदम बेसिक फंडा है कॉग्निटिव इफेक्टिव, एंड इसको नॉर्मली याद करने के लिए सी ए बी कॉन्सेप्ट, वी यूज सी ए बी, सी ए बी यानी कैब, कैब वी यूज कैब इन अ सिक्वेंस फॉर्म। वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ओके, टेक एग्जाम्पल ऑफ, नाउ वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ सम सब थोड़ा डिफरेंट चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, मे बी पर्टिकुलर बिलीफ, किसी आइडियोलॉजी का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं लिबरल आइडियोलॉजी का, लिबरल, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म। सो व्हाट आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद द लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के जो बेसिक एट्रीब्यूट हैं वो क्या हैं, जैसे कि फ्रीडम, 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 च्वाइस, च्वाइस, फ्री स्पीच, ये बेसिक एट्रीब्यूट है लिबरलिज्म के, किसी भी कंट्री का, चाहे यूएस का एग्जांपल लें, यूके का एग्जांपल लें, लिबरलिज्म इज बेसिकली इज रिलेटेड विद ऑन दीज बेसिक प्रीमाइसेस, ये बेसिक उसके सेंटर है जिसके ऊपर जो है लिबरलिज्म वो होता है। ये कॉग्निशन अगर हमारे दिमाग में आ गया किसी तरीके से, कहीं से वे डेवलप दिस, तो उसको हम अफेक्टिव में ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर ये एट्रीब्यूट्स हमारे दिमाग में है, एंड वी हमारा जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द लिबरलिज्म, तो क्या होगा कि जब हम किसी ऐसी कंट्री का एग्जांपल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, फॉर इंस्टेंस रसिया हो गया, कुबा हो गया, चाइना हो गया, तो उस कंटेक्स्ट में हमारा जो अफेक्टिव कंपोनेंट होगा वो ये होगा कि ऐसी कंट्रीज तो ऑटोक्रेट होती हैं, वहाँ पे जो है लोगों को फ्रीडम राइट वगैरह नहीं मिलते हैं, ये हमारा जो अफेक्ट कंपोनेंट आएगा हमारे दिमाग में, दैट विल बी हियर एग्जाम्पल हो गया नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक्सेट्रा, जो जो अफेक्टिव कंपोनेंट होगा दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ वी डू दे डू नॉट गिव राइट्स टू दीज पीपल एक्सेट्रा। एंड सिमिलर विल इफ वी सी इन बिहेवियरल कंपोनेंट, तो उसमें क्या होगा कि जब हमारे हमारा एटीट्यूड लिबरल है और हम जानते हैं कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, फेवर और डिसफेवर क्या है, कभी भी हमारी कंट्री में अगर ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ टेंडेंसी अगर डेवलप हो रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो थोड़ा सा डिक्टेटोरियल टेंडेंसी की ओर जा रही है, तो क्या होगा, वी विल वी मे प्रोटेस्ट, वी मे कम फॉर द प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट के लिए आ सकते हैं कि नहीं, फंडामेंटल राइट, राइट्स है हमारा आर्टिकल 21, आप कैसे इससे छेड़छाड़ कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक, वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉम्पोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। यहाँ पे एकदम सिंपल फंडा है इसका, कॉग्निटिव का जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें हम डाटा एक तरीके से जैसे कलेक्ट करते हैं अपने माइंड को प्रोसेस करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, और वो डाटा जो है हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट में आ करके जो है उसका बेसिस बनता है, जो हमारे दिमाग में उसके प्रति जो एट्रीब्यूट्स डेवलप करता है, फीलिंग और इमोशंस डेवलप करता है, ताकि हम उस चीज़ को जान सके कि ये वाकई है क्या। इट्स अफेक्टिव कंपोनेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच हैविली प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द बिहेवियर। जो अफेक्टिव कंपोनेंट है हमारा, वो इसका बिहेवियर एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल है, ये इजिली चेंज भी हो जाता है, और कई बार बहुत ज़्यादा पर्सुएशन के बाद भी ये चेंज नहीं होता है, और ये एटीट्यूड के चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये दिस वाज द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, और थोड़ा सा हम लोग अभी इसके बाद एक फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड का थोड़ा सा डिस्कशन देखेंगे, देन वी विल ओवर द क्लास। ओके, सो वी विल सी नाउ द फंक्शंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द एटीट्यूड। एटीट्यूड्स का जो है फंक्शन हम देखेंगे, फर्स्ट फंक्शन वी विल सी यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन। सो हाउ एटीट्यूड एक्ट्स एज यूटिलिटेरियन, सो सी नॉर्मली वी आर द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग की टेंडेंसी इज एज सच इज यूटिलिटेरियन। आदमी क्या चाहता है, मोर प्लीजर एंड लेस पेन,
एवरी ह्यूमन बींग वॉन्ट्स टू प्रोमोट इज प्लीजर एंड रेड्यू वॉन्ट्स टू रेड्यूस इज पेन. सो बाई नेचर ह्यूमन बींग इज अ यूटिलिटेरियन. इन कंटेक्स ऑफ द एटीट्यूड हाउ इट विल इट प्रोमोट्स यूटिलिटेरियन थ्रू द एग्जाम्पल. फॉर इंस्टेंस यू हैव अ पेट, मे बी डॉग एक्सेट्रा, यू यू हैव द पेट और आपने उसको रोज सुबह बुलाते हैं एंड कुछ खाने के लिए उसको दे देते हैं. फिर अगले दिन सुबह बुलाते हैं उसको, फिर कुछ खाने के लिए दे देते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपको देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा. सो इट्स इट शोज कि आप किसी चीज किसी को अगर प्रॉफिट देते हैं, किसी को रिवार्ड देते हैं, तो ही विल ऑटोमेटिकली कम्स टूवर्ड्स यू. बट टेक इट अदर वे, आप इसको दूसरी तरफ से देखें. अगर उसी कुत्ते को आपने डांट के भगा दिया, अगर आपने उसको डांट के भगा दिया, तो क्या वो आपको देख के आपकी तरफ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. सो यूटिलिटेरियन फंक्शन जो एटीट्यूड का है वो इज प्लीजर सीकिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है, प्लीजर सीकिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है. ठीक है. अब सेकेंड फंक्शन वी विल सी द नॉलेज नॉलेज फंक्शन. नॉलेज फंक्शन वी विल सी द नॉलेज फंक्शन. नॉलेज फंक्शन हाउ सी एटीट्यूड प्रोवाइड्स अ बेसिस व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डिसलाइक. आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, ये एक बेसिस एटीट्यूड प्रोवाइड करता है हमारे दिमाग को. बाई पास्ट एक्सपीरियंसेस, बाई नॉलेजेस एक्सेट्रा, ये जो है हमारे दिमाग को एक मेंटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. वर्ल्ड की किसी भी चीज़ को जो हम देखते हैं, चाहे वो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, उसका एक जो मेंटल फ्रेमवर्क होता है, दैट नॉलेज थ्रू एटीट्यूड प्रोवाइड्स अस. ये एक हमें एक सस्टेन करने के लिए, वर्ल्ड को देखने के लिए, एक जो व्यू हमारा डेवलप होता है, नॉलेज फंक्शन इज कम्स इट कम्स टू द नॉलेज फंक्शन. ठीक है. नेक्स्ट वी विल सी टाइप विल सी द ईगो डिफेंसिव फंक्शन. ईगो डिफेंसिव फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन. सो एटीट्यूड कैसे ईगो को हमारा डिफेंस करता है. हमारे लाइफ में कई सारी हार्श रियलिटीज होती हैं, कई बार हमें जो है फेल्योर्स का सामना करना पड़ता है. तो एटीट्यूड हेल्प्स अस टू कोप विद दीज नेगेटिव चैलेंजेस. एटीट्यूड हमारे जो ये नेगेटिव फेल्योर्स हैं उनसे कोप करने का सपोर्ट प्रोवाइड करता है. हम आपको एग्जांपल लेते हैं. आप मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स दिया आपने और यू फेल इनटू द प्रीलिम्स यूपीएससी एग्जाम. तो क्या हुआ कि आपका जो एटीट्यूड है ये आपसे कहेगा नहीं नहीं यार, कुछ मिस्टेक लगता है कोचिंग वालों ने किया है, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर यूपीएससी ही जो है इस बार कुछ गड़बड़ कर गया, इस वजह से मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ. बट यू विल नॉट ब्लेम योर सेल्फ, यू विल नॉट ब्लेम योर सेल्फ. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ईगो, दिस इज द एटीट्यूड विच थ्रू ईगो डिफेंसिव के थ्रू आपको प्रोटेक्ट करता है, ताकि आप डिप्रेशन जोन में ना जाए, ताकि आप जो है अपने फेल्योर को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना लें. सो ईगो डिफेंसिव का ये एक सिंपल. नेक्स्ट वी कैन सी सम अदर फंक्शन. देर आर वेराइटीज ऑफ फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड. वी विल गो हम जो है सिंपली जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ कुछ उन्हीं को आज देखेंगे. जैसे कि सोशल आइडेंटिटी फंक्शन. सोशल आइडेंटिटी फंक्शन, सोशल आइडेंटिटी फंक्शन. सोशल आइडेंटिटी फंक्शन एटीट्यूड कैसे करता है कि वी आर द सोशल ह्यूमन बींग, हम सामाजिक प्राणी हैं. ये तो मतलब हर आदमी ह्यूमन जो है वो सामाजिक समाज से बाहर जो रहता है, या तो भगवान है या तो राक्षस है, यानी इधर गॉड और बीस्ट. सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हर एवरीबडी एक डेवलप्स अ सोशल कैरेक्टराइस्टिक, अपना जो उसका मेंटल फ्रेम. जैसे कि कोई आदमी रिलीजन के बारे में ज़्यादा पढ़ता है, रिलीजन के ग्रुप में रहता है, तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो सोशल, वो आइडेंटिटी आइडेंटिटी विल बी रिलीजियस आइडेंटिटी. वो चीज़ों को रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा करेगा. उसी जगह पे कोई आदमी है जो इज द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो वो पॉलिटिक्स को रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा. ही विल सी कि जो है कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है वो कितनी फिट है नहीं है, ये उस पर्सपेक्टिव से देखेगा. तो सोशल आइडेंटिटी फंक्शन एटीट्यूड इस तरीके से, इस सिमिलर वे देर इज वन मोर कंपोनेंट इज वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन. एटीट्यूड का जो है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव में फंक्शन में क्या होता है कि हमारा एटीट्यूड जो है, हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इंक्लाइंड हो सकते हैं. आई लाइक लिबरलिज्म, और समबडी में लाइक द मार्क्सिज्म, और एनी अदर वैल्यूज, मे बी इक्वालिटी और एनी अदर वैल्यूज.
सो द वैल्यूज विच आई एसोसिएट विद माई सेल्फ, जो वैल्यू जो मैं अपने आप को, जो मेरे एट्रीब्यूट हैं, जो पास एक्सपीरियंस या नॉलेज से मैंने कलेक्ट करी है, उसका एट्रीब्यूट जो मेरे दिमाग में है, उसको यूज़ करते हुए मैंने डेवलप करा कि लिबरलिज्म इज़ द बेस्ट। तो जब मैं बात करूंगा, जब मैं कहीं डिस्कशन करूंगा या किसी लोगों से अपनी बातों को रखूंगा, तो वो जो लिबरल आइडियाज़ हैं मेरे, वो रिफ्लेक्ट होंगे इन फॉर्म ऑफ वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का जो ये वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन है, उसके थ्रू वो रिफ्लेक्ट होगा। तो बेसिकली एटीट्यूड इज दिस, एटीट्यूड का कुछ नेगेटिव फंक्शंस भी है, जैसे कि पैट्रियार्की जो है उसके, वो एक इस नेगेटिव, जहाँ पे हम वुमेन को पर्टिकुलरली कई सारे एस्पेक्ट में वी थिंक कि वुमेन इज नॉट इक्वल टू मेल काउंटर पार्ट, जैसे कि जो है वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, लोग थिंक दे थिंक दे आर पेरेंट्स नॉर्मली थिंक्स कि वो सेफ नहीं होंगी, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर में भी वुमेन्स को जो है राइट नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से एटीट्यूड जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है हमारा सोसाइटी में, उसका ये एक एग्जांपल यहाँ पे भी है। और भी नेगेटिव एटीट्यूड है, जैसे कास्ट में हम देख सकते हैं, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव एटीट्यूड बहुत सारा है। तो एटीट्यूड हैज़ मल्टी डायमेंशंस। वी विल एंड हियर एक्सप्लेनिंग बाई दिस ऑल द कॉन्सेप्ट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।